अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई खैरियत से? हाँ अल्लाह करम। कौन बोल रहे? नदीम बोलो, बहनपुर से। हाँ जी बोलिए नदीम भाई। अच्छा आपका एक वीडियो देखने में आया कल इत्तेफाक से जी, कुछ महीनों पुराना है वो, इल्म गैब के ताल्लुक से। आप बैठे हैं रूम में और कलीम भाई और बातें चल रही है और दलाइल पेश किए जा रहे हैं। हाँ तो उसके ताल्लुक से एक इश्काल आया था, तो उसमें आप ये बता रहे थे कि सहाबा या रसूलुल्लाह कहते थे। कौन कहते थे? सहाबा इकराम। हाँ जी, लेकिन आप तो पूरे वीडियो में अपने आपका सरकार कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, सरकार है ना। ठीक है, तो सहाबा तो या रसूलुल्लाह कहते, सहाबा को नहीं पता क्या कहना चाहिए, सरकार कहना चाहिए। सरकार का क्या माना लेते हैं आप? हाँ यही अब सही पॉइंट पे आए आप। तो सहाबा या रसूलुल्लाह क्यों कहते थे और आप आपका सरकार क्यों कह रहे हैं? सहाबा के नाम रजीज सरकार के मान्य होते हैं मालिक, और उसकी निस्बत से बोलते हैं, गुलामी की निस्बत से। ठीक है, नहीं नहीं, आगा करीम के गुलाम है आप है या नहीं है, बिल्कुल बताइए जी। बोलिए बोलिए। और अगर आप सहाबाओं का अकीदा जानना चाहते हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, आप मेरी जान के मालिक हैं, आप मेरे माल के मालिक हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं फरमाते हैं क्या? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ आप समझे नहीं। कहते थे सहाबा इकराम को मालूम था कि आका है, मालिक है, सरकार है ना, फिर भी या रसूलुल्लाह कहते थे। लेकिन आप नहीं कह रहे थे, आप आका सरकार कह रहे थे, तो ये फर्क क्यों? बिल्कुल मैं बोलता हूँ ना। हाँ ये फर्क इसलिए कि मैं आका अलैहि सलाम को, अल्लाह के नबी को अपना मालिक मानता हूँ, गुलामी की निस्बत। यानी आपने आपने वीडियो में एक बात कही थी कि कुरान हदीस को अपनी अक्ल से नहीं समझना चाहिए, अपने फहम से नहीं समझना चाहिए, और अब आप खुद समझा रहे हो। मेरी बात सुनिए ना, आप ये जानना चाहते हैं नदीम भाई कि आप सरकार क्यों कह रहे थे, तो सरकार का मैंने आपको माना बताया कि एक मालिक और गुलाम की हैसियत जो है उसके हिसाब से हम आका अलैहि सलाम को सरकार पुकारते हैं। अब आपको दलील चाहिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो क्या तमाम सहाबाओं के सरदार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं पुकारा आपको? क्या आप मेरी जान के मालिक, आप मेरी माल के मालिक नहीं पुकारा क्या? आपको नहीं कहा क्या ये? आपने भी तो सरकारी कहा ना दूसरे लोगों में, मतलब आप समझे नहीं अभी तक कि सहाबा या रसूलुल्लाह क्यों कहते। अरे आप मेरे से ये जानना चाहते हैं? मुझे तो नहीं नहीं, मुझे बताइए कि किसी की अजमत बयान करना हो तो उसको किसकी तरफ नस्बत दे के बोले तो उसकी ज्यादा अजमत होती है? किसी की अजमत बयान करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करना है, और ऐसी बयान करना है कि उसके मुकाबला कोई कर ही ना सके, है ना। तो मैं कैसे बयान करूँ, या रसूलुल्लाह बोलो कि आका सरकार बोलो? बिल्कुल या रसूलुल्लाह भी बोलो, उनको उनको बिल्कुल ये जानकर कि आका अलैहिस्सलाम उन्हें सुन रहे हैं। आका इसलिए बोलो कि आप हमारे मालिक हैं, आका इसलिए बोलो कि आप हमारे मालिक हैं, उनके गुलाम हैं। आप फिर नहीं समझे बात। मैं कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अजमत मुझे बयान करना है कि जिसकी मिसाल ही ना हो। आका बोलने से अजमत बयान होगी कि या रसूलुल्लाह बोलने से बयान होगी? या रसूलुल्लाह बोलने से अजमत ये बयान होगी कि आका अलैहिस्सलाम हमें सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह हमें सुन रहे हैं, और वो अल्लाह के नबी हैं। इससे नहीं भाई, आपको समझे ही नहीं अजमत बयान करना, अल्लाह के नबी की अजमत बयान करना आई नहीं आपको। या रसूलुल्लाह कहने से अजमत इसलिए बयान होती है कि जिस चीज की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ दी जाती है उसकी अजमत बढ़ जाती है। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, तमाम मसाजिद में सबसे अफजल कौन सा है? बैतुल्लाह, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, कौन सा कलाम है? कुरान, तमाम कलामों में। वैसे ही या रसूल अल्लाह यानी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल अजमत बयान। सरकार और आशा कहने से अजमत घटाए रहे थे, आप बढ़ा नहीं रहे थे। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, अब मैं बोलूं? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कहने से आपकी अजमत बयान होगी, हट है, बिल्कुल हट है। आप है अल्लाह के रसूल और सबसे अफजल रसूल है। दूसरी बात, आप सरकार बोल बोल के, वो अल्लाह के रसूल ने मेरी बात सुनी, आका अजमत, इतना अजमत क्या कम हो रही है? अल्लाह के रसूल बोलना चाहिए जैसे सहाबा कहते थे, आप वो नहीं कह रहे थे पूरे वीडियो में? हम आका की बोल रहे थे, मतलब आप वो काम कर रहे थे। अभी भी बोलता हूँ ना, अभी अल्लाह के नबी की काम कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। तो फिर नहीं, तो साहब उन्होंने मामूल नहीं बनाया था, एक बार कहीं भी बात को आप सारी जिंदगी खुद से चिपका लेंगे। एक बार कहीं भी बात को आप सारी जिंदगी का मामूल बना लेंगे।
हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत कीजिए पूरी जिंदगी भर, और मरने के दो दिन पहले किसी मंदिर में चले जाइए शिव जी के, वहाँ पे जाके माथा टेक के यूं कह दीजिए कि आप हमारे रब हो, तो ये शिर्क हुआ या नहीं हुआ? अरे माशाल्लाह क्या प्यारी बात बोले, अब तो यहाँ पे लौट के आने वाली है। ये मेरी बात सुनिए कि ये शिर्क हुआ है, ये शिर्क है, कुफ्र है, शिर्क हुआ ना। इस अकीदे के मर गया तो मैं काफिर हो गया, मुसलमान ही नहीं रहेगा। अब सुनो मेरी बात, जो आपने ये कहा ना कि अगर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बार मालिक कहा तो हम 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, क्योंकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला के सरदार ने कहा इबादत की। अरे सबसे अच्छी अजमत बयान नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही, आपको अच्छी प्यारी बात बताया, आपने कबूल किए कि अल्लाह की तरफ नस्बत देने से जो अजमत होती है वो दूसरी नस्बतों से नहीं होती। आप समझ में नहीं जाते बात को, दिया जिसका आपने इनकार नहीं किया है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई है, आपने गलती की है वीडियो में, आपको मानना चाहिए आपने अल्लाह की नबी की अजमत को कम किया है, अल्लाह का रसूल बोलना चाहिए, सहाबा क्या दे दे। तो आप एक काम कीजिए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला फतवा लगा, नहीं वो तो अल्लाह के रसूल ही कहते थे ना। नहीं नहीं आपने आपने ये नहीं कहा, फतवा तब लगाऊंगा ना जब आप मेरी बात का इनकार करें। यार आपको बात का जवाब नहीं मिल रहा है, सहाबा इकराम का हमेजी वाला अमल क्या था, अल्लाह के रसूल था या आतवा सरकार? जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के तमाम जितने भी सहाबा, अल्लाह के रसूल के जितने भी सहाबा हैं, उनके सरदार है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, मानते हो कि नहीं मानते? मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया हूँ, और आप घुमा के किधर पहुँच जाते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि सहाबा का जो हमेजी का अमल था, पूछ रहा हूँ यार मैं आपकी पूछ रहा हूँ कि सहाबा का जो हमीजगी वाला अमल था वो अल्लाह के रसूल कहते थे कि आतवा सरकार कहते थे? अल्लाह के रसूल टाइम लग रहा है सोचने का, तो सोच लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आपको दलाइल मिल चुके हैं, आपको जवाब मिल चुका है, लेकिन आप घूम के वापस वही आ जाते हो। आपके सामने देखो मेरी बात सुनो, मिसाल समझो आपको, जब आप किसी से वसीले को गुफ्तगू करने बैठते हो ना, जब आपके सामने वसीले के दलाइल आ जाते हैं हो गए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप इसके लिए सामने हमेशगी वाला अमल बताइए कि साहबा हमेशा या रसूलुल्लाह कहते थे, मैंने सरकार एक दलील दी, तो मैंने इसका, मेरी बात सुनिए, अगर एक बार कहा तो इसका मैंने आपको मिसाल समझा दी कि अगर एक बार आपके तमाम साहबा के नाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है सबसे अफजल साहबा है, सबसे बड़े साहबा है, साहबाओं के सरदार है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, मैंने जवाब दे दिया उसके एक बार वाला, आपने अपनी अक्ल से समझा दिया, आप तो कह रहे थे कुरान हदीस को अपनी अक्ल से नहीं समझना चाहिए वीडियो में, और आप खुद ही समझा दिया। मैंने अक्ल से समझाया क्या? ये हमेशगी वाला अमल है। अच्छा तो एक काम कीजिए, अच्छा मुझे पूरी जिंदगी अल्लाह का सवाल का जवाब दीजिए, मुझे काफी का सवाल का जवाब दीजिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कॉल को सहाबा इकराम ज्यादा बेहतर समझेंगे आप? अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए कि मैंने आपको उसका जवाब दूसरा ये दिया है कि तमाम जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की जाए, मान लो अल्लाह रसूल बेहतर जानते, एक दिन आपका मरने में बाकी रह गया और आप पहुंच गए शिव जी के मंदिर, और वहाँ जाके आपने शिव जी के मंदिर में खान की कब्र जाके मन्नत मुरादे मांग लिए, मंदिर में गए हुआ ना, तो अजमेर की मेरी बात वहाँ शिर नहीं होता क्या? अहमद अजहर खान की कब्र में अजमेर में शिर नहीं होता, तो मंदिरों में शिर होता है। अरे तो इसके सामने बैठे ना, आपने दम होता मंदिर में ही, शिव मंदिर में ही शिरक होता है, अहमद अजहर खान और अजमेर की दरगाह में शिरक नहीं होता। तो आओ ना इसके लिए सामने बैठो ना, सामने मालूम नहीं कि अजमेर की दरगाह और वहाँ पर शिरक होता है, उसकी मिसाल क्यों नहीं देते आप? वहाँ उसको शिरक साबित करो ना, आगे सामने बैठना पड़ेगा, पड़ेगी। अच्छा मुझे बताइए, इबादत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? अब मेरी बात सुनो, आप एक काम कीजिए, आप में नदीम भाई, मेरी फिर आपसे गुजारिश है और मेरी बहुत तमन्ना है कि एक बार आप जरा 10x10 के कमरे से बाहर निकल के एक हॉल में आके बैठे और उसको बात किसी और बोलना,
हमने दम बम वाली बात मत करो, बताओ कि इबादत किसको कहते हैं। अरे आप ही मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले वाले सवालों के आंसर, आपने क्या कहा था कि अल्लाह के नबी से फरियाद करना, फरियाद आपकी इबादत नहीं होती, फरियाद आपकी इबादत नहीं होती, सामने बैठना पड़ेगा, फरियाद आपकी इबादत होती कि नहीं। मेरी बात तो सुनिए, अरे ये मेरे व्यापारी बेटे में है, इंटरव्यू से बात करना है, आराम से काम हो जाए ना तब बात करना। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं, अच्छी स्टडी कर लीजिए, आप एक बार बस इंदौर आ जाइए और मुझसे मुनाजरा करा। नहीं भाई, ये बोल वचन है सर, बोल वचन से हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो, ये बोल वचन मत करिए, बोल वचन करने में कुछ फायदा नहीं। हेलो हेलो, अरे हेलो नदीम भाई, अरे फरियाद की इबादत होती है कि नहीं? अरे मेरी एक बात सुनो, अरे फरियाद करना इबादत होती है कि नहीं? अरे हजरत एक मिनट मेरी बात सुनो, अरे मेरे को तो ये चीजें होती है अलग अलग बैठ के अलग ही हो रही है भाई, हमारी अलग ही हो रही है, फोन पे हो रही है, टेंशन की बात नहीं है। ये व्यापार में आप बैठे सुबह दुकान को लेके दूसरा करेंगे कि अलग में? अरे भाई दिन पहले है, व्यापार बाद में है, दिन को आगे रखना है, दुनिया को पीछे रखना है। कुरान पढ़ी नहीं क्या कभी? दिन पे, अरे दीन का आगे हमें ही मालूम है, अभी तो हमने बार को आगे रख रहे हो, बोले व्यापार है, दीन की बात को छोड़ दो। अच्छी मेरी चीज सुनिए, आपसे आपके तारुफ,